नौजो जी टाइम हो चुका है सर। गुड मॉर्निंग नौजो जी, सर टाइम हो चुका है अपना स्क्रीन शेयर करें। यस हो गया। ओके गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे को ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं नवजोत सिंह हूँ चंडीगढ़ से, और आज का आपका होस्ट भी हूँ, आपका दोस्त भी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं। मैं जब भी कहीं मीटिंग करने जाता हूँ, या कई बार जब मैं कहीं मीटिंग सुनने जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स की डिटेल के बारे में पूछते हैं सवाल कि सर हमें प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए, प्रोडक्ट्स का कोई ब्रोशर चाहिए। कंपनी ने बहुत अच्छे ब्रोशर्स प्रिंट करके रखे हैं। अभी लेटेस्ट उन्होंने एक प्रोडक्ट कैटलॉग भी प्रिंट किया है, जिसमें काफी सारी डिटेल्स हैं। लेकिन आज कंपनी की तरफ से मेरे को कहा गया है कि मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स की डिटेल शेयर करूं। मैं कंपनी की मैनेजमेंट का, खासकर विजय जी का और तानिया जी का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने आज मेरे को मौका दिया आप लोगों के साथ मुखातिब होने का। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी आज के सेशन में मैं दूं। और इससे पहले कि मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक मशवरा कह लो, सलाह दे दो। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई बिजनेस करते हैं, हम कोई जॉब करते हैं, जब हम जॉब करते हैं तो उसमें कोई सर्विसेज देते हैं। जैसे टीचर हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये लोग एक सर्विसिंग जो देते हैं, वो भी एक तरह की प्रोडक्ट ही होता है। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी, तो आप जिंदगी में उस जो काम आप कर रहे हो उसमें सफल नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी चाहिए होती है। और मैंने देखा है डीएक्सन में, क्योंकि मैं डीएक्सन में काफी लंबे समय से हूँ। 2004 में मैंने ज्वाइन किया था डीएक्सन को, उससे भी कुछ महीने पहले मैं इनका प्रोडक्ट यूज कर रहा था। तो 16 साल का लंबा सफर है, और इसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोग डीएक्सन को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो छोड़ जाते हैं। उनका एक मेजर रीजन ये मैंने देखा है कि वो बंदे प्रोडक्ट की, कंपनी की और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पूरी जानकारी नहीं लेते। वो एक दो चार मीटिंग अटेंड करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अभी उनको हर प्रकार की जानकारी हो गई है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जो नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, आपको उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। कैसे करते रहना पड़ेगा? अभी देखो, हम लोग जूम के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, जूम के ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ये हमें अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता नहीं हूं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप मुश्किल में आने वाले हो। आपने देखा होगा
आजकल डॉक्टर लिम भी फेसबुक के ऊपर कुछ वीडियोस डालते हैं, वो आप लोगों को शायद पता होगा कि वो लैपटॉप वगैरह बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है। मेरे को याद है जब हमारे चंडीगढ़ में ऑफिस खुला था तो डॉक्टर लिम जब आए थे तो वो कहते थे मैं ज्यादातर जब लोगों से बात करता हूँ बिना लैपटॉप के करता हूँ, मैं आमने सामने बात करता हूँ। वो जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने आया हूँ वो प्रोडक्ट के बारे में है कि मैं आपको प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले 16 साल से इकट्ठी की है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट रखा है, उसका कारण ये है कि हम लोग ना जब रिएक्शन के बारे में किसी से बात करते हैं तो मैंने देखा है कि हम लोग ना जब प्रेजेंटेशन को बहुत लंबा कर देते हैं और सामने वाला बंदा ज्यादातर बोर होता है, और हम इस चीज को निग्लेक्ट करते हुए कि सामने वाला बंदा हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हम लोग बोले चले जाते हैं और वो शख्स कई बार हमसे सिर्फ इसीलिए दूर चला जाता है कि उसको हमारी बातें पसंद नहीं आई। हमारी बातें काम की तो थी लेकिन उसके मन तक नहीं जा पहुंच पाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता हूं, मैंने कोशिश किया है कि सारा कवर भी हो जाए और हम इसको शॉर्ट में बात कर भी लें। तो जैसे आपको पता है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट्स 150 से ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड बनाती है। हमारे पास इंडिया में अभी 35 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमें हर प्रकार के प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जूम के दौरान जब हम मीटिंग करते हैं, जैसे मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 2 महीनों में जब लॉकडाउन था, तो मेरी टीम ने 8 नए कंट्रीज में बिजनेस कर दिया। अब अगर मेरे को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा, जैसे एक कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स हैं, टेबलेट्स हैं, बहुत सारे देशों में अवेलेबल है, आपको उसकी नॉलेज चाहिए। आज हम सिर्फ उतने प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो इंडिया में अवेलेबल है, क्योंकि हम इंडिया में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी आपका बिजनेस उतना ही आसान रहेगा। और लर्निंग अबाउट डीएक्सएन प्रोडक्ट, लर्निंग द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्रेटजी मैंने वर्ड यूज किया है ये आपको हमेशा आनी चाहिए कि आप डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक कैसे पहुंचाते हो और हमारे प्रोडक्ट्स के स्पेशल फीचर्स क्या है, कैसे हमारा प्रोडक्ट बाहर के जो अवेलेबल बाजार में प्रोडक्ट्स है उसमें डिफरेंट कैसा है। और क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है खाने पीने वाला प्रोडक्ट है, ज्यादातर प्रोडक्ट अगर हम स्किन के ऊपर लगाते हैं वो भी एक तरह की हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन ही है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फूड थ्योरीज है मैं छोटा छोटा उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे ग्रीन थ्योरी है, एंजाइम थ्योरी है, मैं उसके बारे में भी इस टॉपिक में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर एक होता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या है फॉर वेलबींग। ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग के ऊपर भी एक पूरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन आज हम इसमें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पूरा टॉपिक को कवर करना है। और जो प्रोडक्ट है उसकी हमने डिमांड कैसे क्रिएट करनी है, उसका स्किल भी आपको आना चाहिए, आपके जो कार्यवहार है, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने कंज्यूमर के साथ जब आप बात करते हो तो आपको अपना प्रोडक्ट उस कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है। तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ स्किल की क्या बात है। कई बार हम लोगों ने देखा है जो हम नॉर्थ इंडिया में लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग कॉफी नहीं पीते, लेकिन हम लोग जो डीएक्सएन के साथ जुड़े हुए लोग हैं हमें पता है हमारे पास लिंगजी कॉफी बहुत अच्छी कॉफी है। कई बार हम अपने प्रोस्पेक्ट को पुश करते हैं कॉफी के लिए, तो आपको वहां पे वो स्किल लानी चाहिए कि कैसे आपने कस्टमर की हाँ में हाँ आपने कैसे मिलानी है और हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना प्रोडक्ट वहां पे कैसे पेश करना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब डीएक्सएन को ज्वाइन करते हैं ज्यादातर लोग हम लोग एज ए कंज्यूमर आते हैं, कुछ लोग अपनी कोई बीमारी के लिए आया है, लेकिन वो बीमारी के लिए भी अगर आया है तो वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए आया है। हम लोग ज्यादातर कंज्यूमर लोग होते हैं और हम लोग अनाड़ी लोग होते हैं बेचने में, हमें बेचने की स्किल नहीं होती क्योंकि हम लोगों ने कौन सा कोई मार्केटिंग के कोर्सेज किए होते हैं,
ये जो मैंने लर्निंग वाला आपको 5 स्टेप बताए, इसके ऊपर एक पूरा कोर्स होता है मार्केटिंग के ऊपर, और वो लोग पढ़ के आते हैं, सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, फिर उनके प्रैक्टिकल को भी कोर्स ही होते हैं। लेकिन हम लोग तो ज्यादा सीखना पसंद नहीं करते, 2-4 मीटिंग अटेंड करने के बाद हमें लगता है कि हम लोग बहुत कुछ सीख गए। तो इसलिए ये जो चीजें हैं आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो डीएक्सएन में। मेरे को 16 साल हो गए हैं, मैं आज भी अगर कहीं मेरे को पता चलता है कि कोई प्रोग्राम हो रहा है कहीं मेरे 100 किलोमीटर के एरिया में, तो मैं आज भी उसको कभी मिस नहीं करता। इवन मेरे को कंपनी के साथ लगभग 15 साल हो गए हैं, मैं कंपनी की मीटिंग्स ले रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया मीटिंग्स करने जाता हूँ, मैं फिर भी अपने आप को अपडेट करना चाहता हूँ। कुछ नई नई जानकारियां मेरे को मेरी टीम भी देती है, जब मैं अपनी टीम वाले बंदों से बात करता हूँ, तो वो सारी मेरी सीखने की प्रक्रिया है। और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, ये क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएक्सएन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर कंपनीज। अब अदर कंपनीज के हम लोग ऐसे कंपेयर करने नहीं बैठेंगे, लेकिन आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट हमने कस्टमर के सामने कैसे रखते हो। मैं आपको एक कॉमन सा प्रोडक्ट बताता हूं जिसका हमारा दूसरी कंपनियों के साथ बहुत तगड़ा कंपटीशन है, वो है हमारी डीएक्सएन स्पायरोलिना। अब जब आप डीएक्सएन स्पायरोलिना सामने रखते हो और दूसरा बंदा अपनी कंपनी की बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी स्पायरोलिना को दूसरी कंपनी की स्पायरोलिना के साथ, हम ऐसे कंपैरिजन में नहीं बैठे, लेकिन उस बंदे को कैसे रियलाइज करवाएं कि हमारी स्पायरोलिना बढ़िया है। एक तो हमारे पास सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि हम उसके सामने 4-5-6 कैप्सूल उसके सामने खा के दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कि हम ये स्पायरोलिना ऐसे खा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज की स्पायरोलिना के ऊपर लिखा होता है कि इससे ज्यादा नहीं खा सकते। और एक एक चीज और होती है, उनके प्रोडक्ट के ऊपर, ज्यादातर कंपनियों के प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जा सकता, या उन माओं को नहीं दिया जाता जो अपने बच्चों को दूध देती है, और सर्टेन एज के बच्चों को भी नहीं दिया जा सकता। तो आप वहां पे उनके साथ बहस नहीं करनी, आपने सिर्फ उनसे ये पूछना है कि सर प्रेग्नेंट लेडी को, छोटे बच्चे को और दूध पिलाती माओ को हम लोग वैसे लाइफ में क्या नहीं देते। हम उनको केमिकल्स नहीं देते, बाहर का खाना नहीं देते, घर का बना हुआ ताजा खाना देते हैं। तब आप उनसे कह सकते हो कि सर ऐसा तो नहीं कि आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा हो। हम उनके मन में एक डाउट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है कि हम लोग कैसे स्ट्रेटजी के साथ बात कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि हम लोगों से बात कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में गैनोडर्मा है, लेकिन जब हम गैनोडर्मा की बात करते हैं तो बात कई बार बहुत लंबी हो जाती है। फिर वो पूछेगा गैनोडर्मा क्या है, फिर वो 38,000, 36,000, 2,000, फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन, फिर वो बैलेंसिंग, वो सारा कुछ आपको वहां बताना पड़ता है। कई बार हम एक छोटा सा प्रोडक्ट बेचने गए होते हैं, लेकिन वही बात है कि वहां 2-2.5-3 घंटे की मीटिंग हो जाती है। तो जो नया बंदा है, अभी हमने उसको जानकारी पूरी देनी है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना कि सामने वाले को आज ही पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करा दें। जब भी हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपने बच्चों को स्कूल भेजा, आप भी जब स्कूल गए तो वही हम नर्सरी से शुरू किया, ABC का खागा पढ़ना शुरू किया। तो इसी तरह से जब आप डीएक्सएन में सामने नए प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो, अभी मत सोचो कि वो आपकी सारी बात समझ लेगा, वो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, वो डिनोसिन क्या होता है, वो गैनोड्रिक एसेंस क्या होता है, उसके समझ नहीं आएगा। आप ऐसा बोलते जाओगे, वो अपना सर खुजलाएगा और उठ के चला जाएगा कि यार ये पता नहीं नवजोत क्या बोले जा रहा है, मेरे तो समझ ही नहीं आया। तो आप सिंपल सिंपल प्रोडक्ट से शुरू करो, जैसे चाय से शुरू करो, कॉफी से शुरू करो। तो ये एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। और वन एक्सट्रीम इज मेनली फॉर प्राइस, बहुत सारे लोग पैसे के बारे में बात करते हैं। अनदर एक्सट्रीम इज मेनली फॉर क्वालिफाइड डीएक्सएन इज सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो हम लोगों को बता सकते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, और प्राइस इसलिए थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन मैं वैसे ज्यादातर खुद जब बात करता हूँ, सामने वाला बंदा कहता है इतना महंगा, तो मैं थोड़ा सा कई, अगर वो बंदा थोड़ा जॉली मूड में है, ठीक मूड में है, तो मैं ये भी कह देता हूँ, क्या बात भाई साहब, आप की हैसियत नहीं है ये लेने की, ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं ये कहता हूँ कि सर जो अच्छी चीज होती है वो महंगी ही होती है, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि प्राइस को मैं लो जब करता हूँ। अब मैं किसी बंदे को बोलूं कि मेरे पास डायमंड की रिंग है जो 500 रुपए में मिलती है, तो सामने वाला यकीन करेगा कि 500 रुपए में डायमंड की रिंग मिल सकती है? तो हर चीज का एक प्राइस होता है, हर बंदे के माइंड में होता है कि अच्छी चीज है तो प्राइस हाई होगा। अब एप्पल का मोबाइल लेते हैं तो हर बंदे को पता है उसका प्राइस हाई होगा। आपको
पांच सात दस हजार में एप्पल का मोबाइल नहीं मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको माइंड में बना के लोगों के सामने पेश होना है, ये स्ट्रेटेजी आपको सीखनी पड़ेगी। और फिर हमारे प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स क्या है, सबसे बड़ा तो वन ड्रैगन कंसेप्ट। अभी आप वो गैनोडर्मा मत शुरू कर देना, हमारे पास और बहुत सारे हथियार हैं लोगों के साथ बात करने के। वन ड्रैगन कंसेप्ट, ये वन ड्रैगन क्या है, ये कंपनी हम इसको टोटल कंपनी भी बोल सकते हैं, ये बीज बजाई से लेके, अगर आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर डॉक्टर लिम के लेक्चर सुने होंगे तो आपको पता होगा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बीज भी खुद तैयार करती है। डॉक्टर लिम उनकी उन्होंने अपनी किताब में भी बताया है, यहाँ पे भी बताते हैं कैसे उन्होंने स्पायरोलिना का बीज तैयार किया। ये कंपनी अपना बीज भी खुद तैयार करती है और उसकी बीजाई भी खुद करती है, फिर उसकी कल्टीवेशन खुद करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, उसकी पैकेजिंग करके हमारे शहर तक पहुंचाने का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंपनी का है, हमारा काम कस्टमर तक प्रोडक्ट लेके जाने का है। तो बहुत सारे लोग जो आपको मिलते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट बाजार में क्यों नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कंपनी के मालिक चाहते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार आप करो। मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट बिकता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बाहर की भी बात कर रहा हूं, जितना भी प्रोडक्ट बिकता है अप्रोक्सीमेटली 75% प्रोडक्ट की सेल कस्टमर की रिकमेंडेशन के ऊपर होती है। तो डॉक्टर लिम चाहते थे कि हम लोग जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप यूज करो। तो कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग पद्धति को अपनाया, इसलिए अपनाया कि हम लोग जब इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, लाइफ लॉन्ग यूज करना है और लाइफ लॉन्ग यूज हम लोग फ्री में कर सकते हैं, तो कंपनी ने हमें मौका दिया था। और इनकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है यूनिक है, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे कोल्ड प्रोसेस से बनते हैं, हीटिंग नहीं किया जाता। जिन चीजों को सुखाया भी जाता है वो भी डीप फ्रीजिंग मेथड के साथ सुखाया जाता है। जब कोई चीज गर्म हो जाती है, आग के ऊपर लगती है, जब हम धूप में रखते हैं तो उसकी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू खराब हो जाती है, लेकिन जब आप डीप फ्रीजिंग मेथड के साथ प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं तो इसका पूरा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में रहता है, उस जो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेते हैं। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया असर दिखाते हैं। हमारा स्पायरोलिना, जैसे मैंने बात की, हमारा जो स्पायरोलिना है, अभी हम लोग पीछे पौंडीचेरी में जहाँ पे अब हमारा खुद का इसका प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ है, हम लोग देख के आए हैं कि वहाँ पे इसको कैसे सुखाया जाता है और उसको फिर कैसे कैसे पहले कल्टीवेशन की जाती है, वो हमें सब कुछ उन्होंने दिखाया। हम लोग कंपनी के जो हम लोग क्राउन एम्बेसडर अबव लोग थे, हमें कंपनी ने वहाँ बता के, और वहाँ जहाँ पे कोकोनट ऑयल बनता है वो सारा प्रोसेस भी हमें कंपनी ने। और हमारे प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आते हैं, FMCG बोलते हैं। ये जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बनी जो FMCG में, जिसने बिजनेस शुरू किया हो और वो फ्लॉप हुई हो, आज तक कोई कंपनी। आपके कुछ लोकल कंपनीज भी जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो कंपनियां भी खूब चलती हैं। तो हमारी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है, मोस्टली जो प्रोडक्ट्स है वो FMCG कैटेगरीज में आते हैं और ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स है। ट्रेंड सेटिंग कैसे, आप लोगों को पता होगा कि मोरेंजी, जिसको आजकल हम नोनीजी बोलते हैं, जिसको आम मार्केट में नोनी करके बोला जाता है, हमारी कंपनी सबसे पहले इंडियन मार्केट में लेके आई थी। गैनोडर्मा तो लेके आई थी, दुनिया में हम लोग मशहूर हैं गैनोडर्मा कल्टीवेशन के लिए, इसको गैनोडर्मा कंपनी भी बोला जाता है। और अगर आप लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका की तरफ जाओ या अमेरिका की तरफ जाओ, वहां तो हमारी कंपनी को कॉफी कंपनी करके जाना जाता है। बेशक कॉफी बहुत पहले से लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी वहां कॉफी कंपनी करके मशहूर हुई, क्योंकि लैटिन अमेरिका में जैसे मेक्सिको है, चिली है, वहां पे शुरू में कंपनी ने 3-in-1 कॉफी ही लॉन्च की, तो वो लोग हमारी कंपनी को कॉफी कंपनी करके जानते हैं। तो ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स है। अभी अगर आप इंडिया में जाओ, जो लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, अगर कोई बंदा उनसे ये कहता है कि मैंने प्रोडक्ट खुद यूज करना है, मैंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलर से, नेटवर्कर मार्केटिंग वालों से सुना है, वो कंपनी तो कोई और करते हैं, पता नहीं क्या रीजंस है उनके दूसरी कंपनी करने के, लेकिन लोगों को प्रोडक्ट रिएक्शन का प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं अच्छा, अगर आपको ये, क्योंकि कुछ बड़ी भयंकर किस्म की बीमारियां होती हैं, उनको भी पता है उनका प्रोडक्ट नहीं चलने वाला, तो मैंने देखा है कि वो लोग हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो ये ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स तो हमारे पास है, ये हमारे फीचर्स हैं जिनको आप पहले डिस्कस किया करो बंदे के साथ।
इससे पहले कि आप गैनोडर्मा के ऊपर आओ उसकी आप प्रॉपर्टीज लोगों को बताना शुरू करो, और कोशिश किया करो कि वो बंदा हमारे जो FMCG प्रोडक्ट्स है इनका सेवन करना शुरू कर दे। जब वो इनका सेवन करना शुरू कर देगा तो गैनोडर्मा का इफेक्ट वो अपनी बॉडी के खुद में खुद देखेगा। तो ये जो स्पेशल फीचर्स है ये आपको सीखने पड़ेंगे। और कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ये जो मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे वो लीडर्स भी देखे हैं जिनको काफी अरसा हो गया है कंपनी के साथ जुड़े हुए, उनको भी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं होती। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो हमारी कंपनी का ये फीचर है ये इंडिया में और किसी कंपनी का फीचर नहीं है। क्या कहा, ये फीचर इंडिया में किसी और कंपनी का नहीं है। क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कल्टीवेट खुद करती है, बीज बिजाई भी खुद करती है, उसका बिजाई भी खुद करती है और उसके बाद उसकी कल्टीवेशन भी खुद करती है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करती है। इसलिए इसको बोला जाता है वन ड्रैगन कंपनी। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया 2 मिनट में, लेकिन इसकी जो कंपनी की प्रोफाइल है, कितने देशों में कंपनी चली गई आपको पता होना चाहिए, और वहां पे हमारे कहां कहां पे ऑफिसेज है आपको पता होना चाहिए। आजकल कंपनी की वेबसाइट बड़ी अपडेट हो गई है, अब वहां से ये सारी जानकारी आप वहां पे कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर जाया करो। कई बार हम थोड़ा टाइम भी जाते तो कंपनी ने वहां पे कुछ चेंजेस कर देती है वेबसाइट में, तो आपको वेबसाइट खोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो वन ड्रैगन कंसेप्ट है ये क्यों है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी तो बाजार में आपने देखा है इधर उधर से प्रोडक्ट लेके वो बेच रही है, इसलिए है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल करने का यही एक तरीका है। आपके घर पे खाना बनता है, आपके घर पे आपकी माँ या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर आपकी बेटी खाना बनाती है, तो आपने देखा होगा आपके घर के खाने की क्वालिटी कभी भी लो नहीं होती। लेकिन अगर आप बाहर से मंगवाओ तो आपने देखा होगा बहुत बार खाना ऐसा आता है जो खाने लायक नहीं होता, महंगा भी होता है खाने लायक नहीं होता। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है वो तभी रखा जा सकता है जब आप खुद ये सारा काम करते हो और उससे ऊपर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। जो लोग नए हैं उनको तो शायद नहीं पता, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको पता है, लेकिन नए लोगों की मैं जानकारी दे दूं, ये जो चाय गैनो टी हम 310 रुपए की खरीद रहे हैं, 2015 में ये 320 रुपए की थी। हम जिस स्पिरुलिना को 395 रुपीस में खरीद रहे हैं ये 2015 में 420 रुपए की थी। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वन ड्रैगन कंसेप्ट। और वन ड्रैगन कंसेप्ट में एक और चीज है, जब हम सब कुछ करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होगी वो लोग प्रमोट करते हैं कि जी हमने किसी साइंटिस्ट से रिसर्च ले ली। अरे भैया आप उस साइंटिस्ट की रिसर्च तो ले लोगे, उस साइंटिस्ट का दिमाग तो नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ डॉक्टर लिम जैसे व्यक्ति हैं, डॉक्टर लिम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इतना डाउन टू अर्थ बंदा और इतना नॉलेजेबल बंदा, क्योंकि मैं तो उनके साथ काफी देर समय भी गुजारा है। आपको भी जब मौका मिले तो आप डॉक्टर लिम की संगत किया करो। आजकल संगत करने का बड़ा आसान तरीका है, फेसबुक के ऊपर उनको फॉलो करो और उनकी किताब जरूर खरीदो जिसने नहीं खरीदी। और मैक्सिमम जो पे आउट है बोनस के रूप में वो भी हम दे सकते हैं। अब बाजार में बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि डीएक्शन कंपनी तो पैसा ही नहीं देती, और हम लोग सुन के इसलिए चुप कर जाते हैं क्योंकि आपको आपका बिजनेस प्लान नहीं पता। आप कभी कैलकुलेट तो किया करो बैठ के, फिर आपको पता चलेगा। वो जिस दिन बिजनेस प्लान वाला प्रेजेंटेशन होगा उस दिन हम डिस्कस करेंगे। 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और 60% मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट जो भी खर्चा होता है उसके ऊपर खर्चा किया जाता है। हाँ, मार्केटिंग हम लोग करते हैं लेकिन कंपनी की तरफ से भी कुछ होता है। आपने देखा बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो होते हैं तो वहां पे भी कुछ खर्चा होता है। तो कंपनी ने ये 40-60 की रेशियो रखी होती है जो बाजार में हमारे इंडिया में तो किसी कंपनी के पास नहीं है। हाँ, उन्होंने अपना अपना खर्चा बहुत ज्यादा रखा होता है। और प्रोडक्ट्स के बारे में, यूनिक क्या है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं पीछे आपको फीचर्स बता के गया, कुछ मैं और ऐड करता हूँ। टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये टिश्यू कल्चर एक टेक्निक होती है जिसमें जब आप एक प्रोड्यूस के बाद दूसरी तीसरी चौथी आप लेते हो तो क्वालिटी डाउन नहीं होती,
ये एक नई पद्धति है कल्टीवेशन की। ज्यादातर हम लोग कल्टीवेशन बीज से करते हैं, बीज से जब आप कल्टीवेशन करते हो तो उसमें 4-5 जनरेशन के बाद तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उन सीड्स को दोबारा से प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन टिश्यू कल्चर में ये प्रॉब्लम नहीं आती। और हमारी कंपनी की सारी कल्टीवेशन ऑर्गेनिक है। आप जब कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे वहां पे आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिलेगी, 14001, 75000। वो जो कल्टीवेशन की हमें सर्टिफिकेशन मिली है उसका यही मतलब है कि हमारी कंपनी कहीं भी कुछ केमिकल यूज नहीं करती, ना बीज बिजाई में और ना एंड प्रोडक्ट में। एंड प्रोडक्ट जब हमारा जो निकलता है वही दोबारा हम खेतों में डाल देते हैं, तो कोई जब केमिकल यूज ही नहीं होता तो केमिकल निकलेगा कहाँ से। और कोल्ड प्रोसेस टेक्निक है जैसे मैंने पहले बताया, और एक फाइबर सेपरेशन होता है। आपने देखा होगा जब जैसे हमारे पास ये स्पायरुलिना तो जब निकलती है वो तो पाउडर फॉर्म में ही होती है, वहां तो ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे भी वो जब हम इसको सुखाते हैं थोड़ा सा है, लेकिन जो मशरूम है उसको पीसना बहुत मुश्किल होता है। तो एक फाइबर सेपरेशन मेथड होता है। तो ये फाइबर सेपरेशन क्या, जैसे हम लोग दूध में से मक्खन निकालते हैं ना गोल गोल घुमा के, तो ये उस तरीके से फाइबर सेपरेशन की जाती है। और माइक्रोस्पोर पाउडराइजेशन, ये जो पाउडराइजेशन है जब उसमें इसको घुमाया जाता है तो उसमें से वो जो फाइबर होता है वो अलग हो जाता है, जो पाउडर वाला अलग हो जाता है, तो फिर उसकी जो पाउडराइज, आपने देखा कभी कैप्सूल को खोल के कितना महीन पाउडर है, कितना बारीक पाउडर है, तो ये टेक्निक है। इसमें इसको कूटा नहीं जाता, रगड़ा नहीं जाता, इसलिए इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सारा बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। और अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट दी जाती है, जब ये मिट्टी तैयार की जाती है तो उस मिट्टी में कुछ कोई फंगई या कुछ इस तरह के कुछ चीज ना हो जिससे प्रोड्यूस के ऊपर नुकसान हो, तो अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट जो बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट गिनी जाती है वो। इसमें हम लोग कुछ केमिकल तो यूज नहीं करते, तो ये अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट दी जाती है। जब आप लोग कभी मलेशिया जाओगे तो ये जो जो मैंने आपको बताया है, ये कंपनी आपको सब कुछ ये सारे की सारी टेक्निक आपको दिखाएगी कि हम लोग कैसे ये प्रोडक्ट्स को करते। और यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ये मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया, टिश्यू कल्चर है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, कोल्ड प्रोसेसिंग है। और ये जो कोल्ड प्रोसेसिंग है ये इसलिए कि इसकी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व किया जाए, फाइबर सेपरेशन है, ये सारा कुछ कंपनी अपने आप खुद करती है। और क्रिएट डिमांड टू इंक्रीज बोनस, इंक्रीज सेल्स, सिंपल है। और टू इंक्रीज सेल्स क्रिएट डिमांड। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक गलती क्या करते हैं, हम लोग सेल्स क्रिएट करने की तो कोशिश करते हैं, डिमांड क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? टू क्रिएट डिमांड प्रोडक्ट नॉलेज इज नीडेड। और हम में से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट की एग्जैक्ट नॉलेज नहीं लेते। टू प्रोवाइड प्रोडक्ट नॉलेज फूड थ्योरीज नीड टू बी अंडरस्टैंड। अगर हमने डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को समझना है तो हमें पहले थ्योरीज को समझना पड़ेगा। और वो थ्योरीज क्या? फूड थ्योरी। फूड थ्योरी क्या होती है? एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन थ्योरी, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। एंजाइम थ्योरी, ये एंजाइम्स क्या होते हैं। ग्रीन थ्योरी, व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस, योर स्किन। जब तक आपको इनका नहीं समझ लगेगी आप प्रोडक्ट को कैसे समझ सकोगे। एसिड और अल्कलाइन थ्योरी, ह्यूमन बॉडी नीड्स टू ईट अल्कलाइन फूड एंड एसिडिक फूड इन द रेशियो ऑफ 4:1। हमें 80% अल्कलाइन फूड खाना चाहिए और 20% एसिडिक, लेकिन मॉडर्न हैबिट्स हमारी उलट है। यहां आपको ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। एसिडिक फूड होते हैं जो या तो मांस मछली या जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, पके हुए जो खाने होते हैं वो एसिडिक होते हैं। हम घर पे भी अगर कुछ खाना तैयार करते हैं उसको जब हम फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसकी अल्कलाइन जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। आप या कहोगे कि मैंने इसमें लिखा है कॉफी एंड ब्लैक टी, यस, ये जो बाजार में कॉफी एंड ब्लैक टी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारी जो कॉफी एंड ब्लैक टी है आपने देखा है वो अल्कलाइन है,
और अल्कलाइन फूड क्या होते हैं, जितने भी नेचुरल खाना आप पेड़ से तोड़ के जमीन में से उखाड़ के खा, सारे अल्कलाइन होते हैं। यहां पे राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेट व्हीट कॉर्न, लेकिन जब ये पक जाते हैं ना पूरे सूख जाते हैं ये भी एसिडिक हो जाते हैं। यहां इनका मतलब ये है कि जब आप हरे आप इसको खाओगे, आपने देखो होगा व्हीट ग्रास सुना होगा वेरी गुड फॉर द हेल्थ, लेकिन जो गेहूं होती है उसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है। तो डीएक्सएम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे अल्कलाइन हैं। अब जब कोई बंदा मेरे से पूछता है कि नवजोत आप लोगों को तो ये कहते हो आप खाना कैसे खाते हो अल्कलाइन का, तो मैं उनको बोलता हूं कि सुबह से शाम तक मैं डीएक्सएम के जितने भी प्रोडक्ट यूज करता हूं, अगर मैं साबुन भी यूज कर रहा हूं वो भी अल्कलाइन है, अगर मैं पेस्ट भी यूज कर रहा हूं अल्कलाइन है, मैं जितने ऑयल्स यूज करता हूँ वो सारे अल्कलाइन है, चाय कॉफी पीता हूँ अल्कलाइन है, तो मेरी जो बॉडी में रेशो है वो दूसरे आम बंदों से कहीं ज्यादा है। और मैं दिन में अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं दिन में ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं कच्चा खाना खाऊं। अभी ये लॉकडाउन के टाइम में आपके तो शहर में पता नहीं, लेकिन हमारे चंडीगढ़ और आसपास के शहरों में सब्जियां फल फ्रूट बहुत सस्ते मिल रहे थे, तो हम लोग तो दिन में कभी कभी खाना पकाते थे, ज्यादातर सुबह हम फ्रूट्स, शाम को वेजिटेबल्स, खीरा टमाटर ये जो शिमला मिर्च कैप्सिकम बोलते हैं वो सब कुछ रेडी अवेलेबल था, खरबूजा तरबूज, और अभी आम भी आने लग गए हैं, तो आप भी कोशिश किया करो ज्यादा अल्कलाइन फूड खाना। और डीएक्सएन के जितने प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैंने बोला कि वो सारे अल्कलाइन हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको इस चीज की नॉलेज है। फिर एंजाइम थ्योरी क्या होती है, मैं इसको एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। डायबिटीज आम प्रॉब्लम है आजकल लोगों में, और डायबिटीज की प्रॉब्लम कैसे होती है, हमारा जो पैंक्रियाज है, ग्रंथि है, उसमें जब बिगाड़ आता है, उसमें बिगाड़ कब आता है, जब हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। और डाइजेशन में प्रॉब्लम कैसे आती है, हमारे खाने से। खाने में कैसे आएगी, क्योंकि हमारे खाने में एंजाइम नहीं होता, ये एंजाइम मिलता है कच्चे खाने में से। जब आप जैसे मैंने भी बोला आप खरबूजा खाओगे, तरबूज खाओगे, आम खाओगे, अभी जामुन आ जाएगी, लीची बाजार में आ रही है, बहुत कुछ ऐसे फ्रूट्स बाजार में आते हैं, आड़ू आएगा, खुरबानी आएगी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में कुछ और उनमें एंजाइम्स होते हैं। जब आप कच्ची सब्जी खाते हो, आप टमाटर खाते हो, आप खीरा खाते हो, अगर आप कच्चे खाते हो उनमें एंजाइम्स होते हैं। अब जब हमने कच्चा खाना ही खाना बंद कर दिया और सिंथेटिक फूड हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते तो वो हमें एंजाइम्स नहीं मिलते। अब आप इसको समझो, जब एंजाइम्स नहीं मिलते तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आती है, और जब पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आती है तो डायबिटीज जैसे यूरिक एसिड जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं एंजाइम्स की कमी से। और हमारे पास एंजाइम्स के जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, रोजल है, नोनीजी है, नोनी है, स्पैरोलिना में, आरजीजीएल में, चाय कॉफी में, अभी कंपनी ने लेमन जी हमारे पास दिया, अरे मजा आ जाता है पी के। तो हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं दे आर फुल ऑफ एंजाइम्स। अब आपको एंजाइम थ्योरी जब तक नहीं पता होगी, अब आप लेके नोनीजी और ये लेके प्रोडक्ट लेके बीमारियों के ऊपर बात करते रहोगे, और जब आप किसी को बोलते हो कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा, वो बंदा 10-15 साल से परेशान है, वो आपकी बात के विश्वास ही नहीं करता, और आपको बड़ी मुश्किल होती है बीमार बंदे को प्रोडक्ट देने में, और अगर आप दे भी दो तो उसका डॉक्टर उसको मना कर देता है कि नहीं खाना। लेकिन अगर आप ये एंजाइम थ्योरी समझ के किसी फैमिली में जाते हो तो हर बंदा आपका कंज्यूमर बन सकता है। तो ये एंजाइम थ्योरी आपको, ये अभी जो कंपनी ने प्रोडक्ट कैटलॉग छापा है उसमें ये बड़े अच्छे से समझाया है, बड़ी अच्छी, उसे बड़ी अच्छी नॉलेज है माइक्रोफूड मैक्रोफूड, तो आप वहां उसको अपने पास रख सकते हो किताब को, उसको बार बार पढ़ के इसको याद कर सकते हो। और एक थ्योरी होती है ग्रीन थ्योरी। अब ये जो ग्रीन थ्योरी है ये हमारे जो रेड ब्लड जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, होमोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन में काम आती है। द साइकिल ऑफ रेड ब्लड प्रोडक्शन व्हेन रेड ब्लड सेल डाइज, जब ये मर जाता है ये स्प्लीन में चला जाता है, स्प्लीन को कब्रिस्तान बोला गया है हमारे रेड ब्लड सेल का, तो वहां पे उसको थोड़ी देर रखा जाता है, और फिर उसके बाद इसको लीवर में, लीवर इसको फर्दर डीकम्पोज करता है, लीवर हेल्प करता है, और उसके बाद ये किडनी कुछ हार्मोन्स
क्रिएट करती है और वो किडनी विच प्रोड्यूस हार्मोन इट इज सेंट टू बोन मैरो टू प्रोड्यूस होमोग्लोबिन अगेन। क्या है कि जो हमारा सेल मर गया था अब हम लोग ग्रीन लीव्स क्लोरोफिल नहीं खाते, तो जब नहीं खाते तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी आती है, उस ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए ये सारा प्रोसेस चलता है। और कितने ऑर्गन हमारे काम करते हैं, स्प्लीन, लीवर, किडनी, बोन मैरो, उस सेल को, उस मरे हुए सेल को दोबारा जिंदा करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग क्लोरोफिल खाएं, और दुनिया का सबसे बढ़िया क्लोरोफिल मिलता है स्पाइरोलिना के, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्पाइरोलिना एक ऐसा पौधा है जिसका क्लोरोफिल कभी भी नहीं सूखता, ये कभी पीला नहीं पड़ता। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहो, आप इसका कैप्सूल एक खोल के उसका पाउडर कहीं रख दो, आप देखोगे साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद वो फिर भी हरा रहेगा। दूसरे जो पत्ते होते हैं वो टाणी से टूटते ही पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनका क्लोरोफिल बढ़ जाता है, लेकिन इसका क्लोरोफिल जिंदा रहता है, सूखने के बाद भी जिंदा रहता है और हमारी बॉडी में नया खून बनाने में मदद करता है। जब आप स्पाइरोलिना खाते हो तो आपके ये चार ऑर्गन को कितना आराम मिलता है, स्प्लीन, लीवर, किडनी और बोन मैरो। आपने देखा होगा आजकल लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम लोग ग्रीन फूड नहीं खाते, हम तो खाते हैं इंजेक्शन वाले। तो ये जो स्पाइरोलिना है ये कोई ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपको अरे यार क्या है स्पाइरोलिना, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव चीज है, जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी, एनर्जी इसलिए भी आती है क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं ये आराम करते हैं, और जब ये आराम करते हैं तो वो जो एनर्जी बचती है वो हमारी बॉडी कहीं और काम करती है। और वैसे भी आप देखते हो गाड़ी में आप रिसाइकल्ड इंजन ऑयल डालना पसंद करोगे, नया इंजन ऑयल जब आप सर्विसिंग करवाने जाते हो तो आपको मैकेनिक को ये बोल देते हो भैया यही वाला तेल दोबारा से डाल दे, नहीं ना, आपको पता है वो आपकी गाड़ी जाम हो जाएगी, आपका इंजन गाड़ी का जाम हो जाएगा। तो यहां पे भी यही हाल होने वाला है अगर हम लोग ग्रीन थ्योरी फॉलो नहीं करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीज आपके स्टमक के लिए गुड है वो आपके चेहरे के लिए भी गुड है, आपकी स्किन के लिए भी गुड है। तो ये जो डीएक्सएन के जितने प्रोडक्ट्स हैं स्किन पे लगाने वाले, ये भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, ये सारे के सारे सेफ हैं। ये जो मैंने आपको बोला कि जो स्टमक के लिए गुड है वो स्किन के लिए भी गुड है, कैसे, आप देसी घी खा भी सकते हो, बॉडी पे लगा भी सकते हो, आप देखते हो बेसन भी ऐसे ही लगाते हो, खा भी सकते हो, स्किन पे लगा भी सकते हो। जितने भी हमारे घर के तेल होते हैं, बाजार वाले तेल नहीं आप ऐसे कर सकते, लेकिन जो हमारे पास नेचुरल चीजें हमारे पहले खेतों में होती थी, घर पे होती थी, वो हम लोग फेस के ऊपर यूज करते हैं। तो ये जो स्पाइरोलिना है हमारे पास, इसका भी हम लोग फेस पैक यूज करते हैं। आप भी जिसने अभी तक नहीं यूज किया, आप यूज करके देखो, जैसे आप यूज कर लोगे आपको इस प्रोडक्ट की और नॉलेज हो जाएगी, और फिर आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी में बता सकते हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि हमारे स्पाइरोलिना का बाजार में बहुत सारे कंपनियों के स्पाइरोलिना के साथ कंपटीशन है, आप उनको बोलना सर आप अपना पाउडर निकाल लो कैप्सूल का और डीएक्सएन का निकाल लो, जो हमारे हाथ के ऊपर की सतह होती है हथेली से दूसरी तरफ, उनको बोलना कि इसको पानी में आप भी मिक्स कर लो, मेरे वाले को भी, डीएक्सएन वाले को भी मिक्स कर लो, एक हाथ की बैक साइड के ऊपर उनका स्पाइरोलिना लगा लो, दूसरे पे डीएक्सएन वाला लगा लो, रात को सो जाओ, सुबह उठ के आप देखोगे स्पाइरोलिना बढ़िया। जो चीज पेट के लिए अच्छी होती है वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होती है। हम लोग फेस पे नहीं लगाते, अगर उनका स्पाइरोलिना फेस पे लगाएंगे तो उनको ट्रबल हो सकती है, इसलिए हम लोग हाथ के ऊपर यूज करवाते, आप उनको बोला कि सर यूज करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी बेहतर है। ये एक फार्मूला है जो कहीं डीएक्सएन के बिजनेस में कहीं खो गया। ये जब मैं आया था 15-16 साल पहले तो मैंने डॉक्टर लिम के मुंह से भी सुना था, आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए टू हैव अ गुड एनर्जी। चार कैप्सूल जीएल के लेना, एक पूरा शैचे लिंजी 3-in-1 का लेना, एक पूरा स्पून भर के नोनीजी का लेना, और 10 टेबलेट लेना स्पिरुलिना। अब इसको ध्यान से सुनना कि इसको कैसे करना है। आपने मग लेना है पानी का, जो कॉफी वाला बड़ा मग होता है,
उसमें जीएल का है 4 कैप्सूल्स का पाउडर निकाल लेना, उस पानी में डाल देना और पूरा शैचे लिंगजी का उसमें आप डाल लेना और एक स्पून लोनीजी उसमें डाल के उसको अच्छे से हिला के घोल लेना। ये आपकी एक 3-in-1 बन गई जिसमें 4 कैप्सूल जीएल के थे और एक स्पून मरंजी का। और इसी पानी के साथ अगर तो ये ज्यादा गर्म है तो ये जो 10 टेबलेट मैंने स्पिरुलिना की बोली है आप पहले पानी के साथ ले लो और उसके बाद ये जो चीज है इसको आप पी लो, आप देखना आप अपनी बॉडी में कितनी एनर्जी महसूस करते हैं। जब भी कुछ आप ऐसा काम करने लगो जहां पे आपको एनर्जी की जरूरत है, यू डू दिस एंड यू विल फील द डिफरेंस। ये आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये शुरू शुरू में तो बहुत प्रमोट होता था लेकिन बीच में पता नहीं कहां कैसे क्यों ये फॉर्मूला गुम हो गया। ये मैं आपको जरूर चाहूंगा कि आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद पहले करके देखो, इससे पहले कि आप लोगों को प्रमोट करो, अगर आपको जच गया तो जरूर प्रमोट करना। अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो हम लोग फूड खाते हैं, आप जब किसी के पास जाते हो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा तो खाना बहुत अच्छा है जी। आप उनको एक एग्जांपल दे सकते हो कि हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं तो सर जी आप क्या अंदर जाती है, तो सब लोग कहते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है। वैसे तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारी गैसेस अंदर जाती हैं। चलो हमें इतना पढ़ाया गया है, आप बंदे को पता है हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उनसे उनको पूछने की कोशिश करो कि सर ये कुछ सेकंड्स में अंदर गई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन जाती है। आपको भी इस बात की समझ होनी चाहिए, ये हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है। हम लोग जब भी खाना अंदर डालते हैं, अगर हम साफ सुथरा खाना भी डालें, अभी तो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि हमने हवा अंदर गई और बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड, हमने खाना अंदर लिया और अंदर जाके उस मेटाबॉलिज्म में वेस्ट बनता है जो बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उनको कहो कि सर आपको अगर मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर ला दूं बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन और आप उसको एक सांस ऑक्सीजन की लेते हो सिलेंडर में से, तो क्या आप उस ऑक्सीजन को अंदर कुछ देर के लिए रख सकते हो? नहीं, आपको पहले एक सांस छोड़नी पड़ेगी फिर दूसरी सांस अंदर जाएगी। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो हमने खाना खाया है जो हमने न्यूट्रिशन खाई है उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स क्या है? टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स है, स्ट्रेस है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है। और ये क्यों है? ईटिंग हैबिट्स हमारी खराब है और जो मेल न्यूट्रिशन है वो अलग से। और एक सिंड्रम है NMNT, नो मनी नो टाइम। और इन सबका सोल्यूशन क्या है? डीएक्शन प्रोडक्ट्स। अब ये जो नो मनी नो टाइम, आप किसी को सैर करने को बोलते हो बिल्कुल फ्री है ना, वो कहता नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, सुबह उठ के ही मैं तो काम पे जाता हूं। और वो कहता है मेरे पास पैसा भी नहीं है। सर जी अगर आप सही मायने में सोचो, नहीं है सर जी अगर आप सही मायने में सोचो तो डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। आप अपनी चाय की जगह के ऊपर चाय, कॉफी की जगह पे कॉफी, टूथपेस्ट की जगह टूथपेस्ट, साबुन की जगह साबुन। और अगर हम लोग RGGL और स्पिरुलिना भी यूज करते हैं तब भी वो कोई इतना महंगा नहीं है जितना दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं या जितनी महंगी उसको दवाइयां खानी पड़ेंगी बीमार होने के बाद। तो इस चीज के ऊपर आप हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, हमारी बॉडी की सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हमारा सेल, तो ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला था कि वो प्रोडक्ट कैटलॉग में ये चीजें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन, इसको समझो क्या होता है। न्यूट्रिशन हमारी दो तरह की होती है, मैक्रो होती है जिससे हम पेट भरते हैं, माइक्रो होती है जो सेल की जरूरत होती है। मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या आता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वाटर। माइक्रो में क्या आता है? विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जो बड़े थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं, जैसे पोटाशियम है 0.02 मिलीग्राम, कुछ भी नहीं होता। और एंजाइम्स, और ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे आजकल वायरस का बड़ा ज्यादा कोहराम मचा हुआ है,
ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होती है जो हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के काम आती है। इसमें जब आप स्पायरुलिना के बारे में अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको उसमें से ये कुछ चीजें निकल के सामने आएगी, फाइकोसाइनेनिन। और अगर आप चाय में जाते हो तो उसमें आपको आता है फ्लेवोनॉइड्स, ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल हमें किलो के हिसाब से नहीं चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए होती है। और ये जो मैंने लिस्ट लिखी है, जब आप स्पायरुलिना को देखते हो तो ये मैक्रो और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब कुछ स्पायरुलिना में पाया जाता है, गैनोडर्मा में भी पाया जाता है। लेकिन हम गैनोडर्मा को ऐसे तो जानते नहीं है, हम तो गैनोडर्मा को दवाई के रूप में जानते हैं, ये बीमारियां ठीक करता है, ये एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशन है। इसको डिटेल में आपको जानना हो तो गूगल के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च मिल जाती है, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में आप लोग जानना शुरू करो। मेरे को याद आ गया, ये जो प्रोटीन है आपने देखा होगा जिन बंदों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है, तो डॉक्टर लोग उसको मना कर देते हैं। ये प्रोटीन तो एक शब्द है, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जब हम किसी को स्पायरुलिना देते हैं तो वो कहता है सर इसमें तो प्रोटीन बहुत ज्यादा है। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि आपको ये चीजें कैसे पता होनी चाहिए। जब वो बंदा ये कहता है उसको पूछो कि सर आप स्पायरुलिना कितनी खा रहे हो, स्पायरुलिना में लगभग 65% के करीब प्रोटीन होता है, 65%, दो तिहाई। उसे पूछो यार आप स्पायरुलिना कितनी खा रहे हो, मान लो वो कहता है जी मैं 6 कैप्सूल खा रहा हूं, तो 6 कैप्सूल का मतलब 1.8 ग्राम, 300 mg का एक कैप्सूल है, 6 से गुना करते हो तो 1800 mg बनता है, 1.8 पौने 2 ग्राम के करीब हम लोगों ने स्पायरुलिना खाई, उसमें दो तिहाई कितना होगा, लगभग 1.25 ग्राम, 1.2 ग्राम्स। उसको पूछो कि सर आपको पता है एक आम आदमी को, एक आम इंसान को दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, उसको नहीं पता होगा। आप उसको बताओ एक आम आदमी को 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है दिन में, मिनिमम 80 ग्राम्स। जो लोग एथलीट हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, शरीर से काम लेते हैं, उनको 150-200 ग्राम तक भी प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए आपने देखा होगा वो बहुत सारे प्रोटीन शेक्स वगैरह यूज करते हैं। सर हम आपको सिर्फ 6 कैप्सूल दिए जिसमें 1 ग्राम के करीब प्रोटीन था, इतना सा प्रोटीन आपको नुकसान नहीं करेगा, उल्टा हमारा जो प्रोटीन है इसमें लगभग 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, 21 में से 18 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके ये अल्कलाइन सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब वो कहेगा सर एसिड अल्कलाइन कैसे कर देगा, उसको समझाओ जैसे नींबू एसिडिक होता है, आपको पता है नींबू की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 2, इतना ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन जब हम पीते हैं तो बॉडी की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। आपने देखा होगा आप स्कंजी वगैरह पीते हो, तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट्स की, हमारे प्रोडक्ट के साथ आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपको प्रोडक्ट के ऊपर इतना नहीं बता रहा, लेकिन प्रोडक्ट को यूज तब कर पाओगे जब आपको ये सारी नॉलेज होगी। और हम लोग ये देखो ये सज्जन जो कर रहे हैं, हम लोग भी यही करते हैं, आपको पता है उसके पास सीढ़ी है, वो सीढ़ी लगा के दीवार के ऊपर दूसरी तरफ बड़े आराम से देख सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है। हम लोग भी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कुछ ऐसी करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को डिग्रेड करके बंदे के सामने रखते हैं। तो इसलिए आपको अगर पता हो कि कौन से प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है तो आप इस भाई साहब जैसी गलती नहीं करोगे। और प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए आपको ये जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा था, द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ सेल्स, द बॉडी इज लाइक अ कार, बॉडी इज अ मशीन जिसकी मेंटेनेंस करनी बनती है। और जो हमारा शरीर है इसके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर्स होते हैं, और बॉडी इन जो टॉर्चर, ये एक्सटर्नल टॉर्चर की बात कर रहा हूं, और इंटरनल टॉर्चर जो हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है जिसमें बहुत मतलब जिसको कह लो कि गंदगी जो हम हमारे टॉयलेट के रास्ते पेशाब के रास्ते बाहर निकलती है, और ये बॉडी इस टॉर्चर के आगे हार ना जाए, इस वायरस के आगे हार ना जाए, तो हमें अपनी बॉडी को ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको
बताने की कोशिश करती है, इसके अपने अपनी लैंग्वेज होती है जिसको हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए आपकी खुद की बॉडी है, इसको सपोर्ट करना आपको बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है। तो डीएक्सएन के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये दुनिया में बेस्ट सपोर्ट है हमारी बॉडी के लिए। अब मैं आपको हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी आपको मैं देता हूँ। वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं, गैनोडर्मा दुनिया का सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन का सोर्स, दुनिया की सबसे बढ़िया जड़ी बूटी, चमत्कारी जड़ी बूटियों का महाराजा। इसमें 400 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हमने 5 कैटेगरीज में बनाया है, पॉलीसेक्राइड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडिनोसिन, ट्राइटरपेनाइड्स और गैनोडर्मिका सेंस। ये जो पांचों जो कैटेगरीज हैं ये एक बंडल है न्यूट्रिशन का, जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में इतने अच्छे असर मिलते हैं, आप लोगों ने महसूस किए होंगे। और हम लोगों ने क्या किया है, गैनोडर्मा जो ये गैनोडर्मा जो आप देख रहे हो, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज क्लेम करती हैं कि जी हमारे पास भी गैनोडर्मा है, लेकिन डीएक्सएन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इस गैनोडर्मा से दो तरह के कैप्सूल बनाती है। पहला कैप्सूल जिसको हम आरजी बोलते हैं, ऋषि गैनो, ये जो बॉडी, ये जो आप पीस देख रहे हो, फ्रूट पीस जिसको हम बोलते हैं, इसका पाउडर है। इसमें ट्राइटरपेनाइड्स, एडिनोसिन और पॉलीसेक्राइड भरपूर मात्रा में मिलते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे ज्यादा काम है, लेकिन आप शॉर्ट में समझिए, ये हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी का मतलब हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। और जो दूसरा कैप्सूल है वो है जीएल, ये ज्यादा असरदार है। इसमें ऑर्गेनिक जर्मेनियम, गैनोडर्मिक एसेंस, पॉलीसेक्राइड्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करता है। बैलेंसिंग मतलब जब वो बॉडी का सेल जिसमें कुछ टॉक्सिन्स घुस गए थे, या वो सेल न्यूट्रिशन की कमी के कारण, पोषण की कमी के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो आरजी सेल ने डिटॉक्सिफिकेशन कर दी, जीएल ने उसको न्यूट्रिशन दे दी और उस सेल को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो आम भाषा में आरजी डिटॉक्सिफिकेशन करता है और जीएल बैलेंसिंग करता है। हमारी बॉडी में बीमारी आने के दो ही कारण होते हैं, या तो कोई टॉक्सिन्स है या कुछ इम्बैलेंस है। जब ये दोनों ठीक कर देते हैं तो बंदा हमारे प्रोडक्ट के गुण गाते नहीं थकता। हम डीएक्सएन में देखते हैं बहुत सारे लोग जो डीएक्सएन में काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले प्रोडक्ट को जांचा, परखा, फिर इसका बिजनेस शुरू किया। और जो बंदा प्रोडक्ट की सही जानकारी लेके काम करना शुरू करता है उसके फेलियर का चांस कुछ नहीं होता। और स्पायरुलिना, ये जो गैनोडर्मा है इसको हम जड़ी बूटियों का महाराजा बोलते हैं, और स्पायरुलिना जड़ी बूटियों की महारानी। ये कंप्लीट फूड सोर्स है, इसमें दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो शरीर के तौर पे फिट नहीं होते और डॉक्टर लोग उनको कार्बोहाइड्रेट खाने से मना करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपकी बॉडी में को ये असर दिखाता है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी पैदा करता है बॉडी में, और इसमें क्वालिटी फैट जिसको आजकल हम लोग टेक्निकली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 करके जानते हैं, वो सारे के सारे फैट इसमें पाए जाते हैं। और इसमें फाइबर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। आपने देखा डाइजेशन के लिए हमें फाइबरस फूड चाहिए होता है, और फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बोले थे, फाइकोसाइनिन, ये जो स्पायरुलिना होता है, वैसे तो हमें दिखने में तो ये ग्रीन कलर का नजर आता है, लेकिन इसमें एक ब्लू कलर भी होता है जो फाइकोसाइनिन करके होता है। हमारे जितने भी सब्जियां, जब फल फ्रूट जितने गहरे रंग के होते हैं वो उतने ही अच्छे फाइटो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। आपने देखा है हमारा स्पायरुलिना कितना गहरे रंग का है। वैसे भी बहुत सारी कंपनियों का जो स्पायरुलिना आता है ना, जब आप कैप्सूल से खोलोगे बाद आपको कलर ही बता देगा कि उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। और इसमें हमारी बॉडी में जरूरत के जितने भी विटामिन हैं
पूरा बी कम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी भी मिलता है इसमें, के भी मिलता है, मगर ऐसा कोई विटामिन है ही नहीं जो इसमें ना मिलता। हाँ, एक विटामिन डी नहीं मिलता, आप लोगों को जानकारी दे दूं, विटामिन डी सिर्फ सूर्य की रोशनी में होता है, और जो बंदे गैनोडर्मा का सेवन करते हैं उनकी बॉडी में एक आम आदमी से 3 गुना ज्यादा तक विटामिन डी प्रोड्यूस हो सकता है। आजकल बहुत सारी कमी आप देखते हो, जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनके ज्वाइंट्स पेन करते हैं, बॉडी भी पेन करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप गैनोडर्मा खा रहे हो और आप थोड़ा सा धूप में जाते हो तो बॉडी बड़ा अच्छा विटामिन डी बढ़ा लेती है, और क्लोरोफिल का सबसे बढ़िया सोर्स है। तो इसको हम फूड ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। आप देखते हैं ना ऑर्केस्ट्रा बजता है शादियों में, और जितना अच्छा तालमेल में बजता है उतना ही आपको ज्यादा मजा आता है। आप जब स्पिरुलिना खाना शुरू करोगे तो आपको भी वही मजा आना शुरू हो जाएगा। और ये जो गैनोडर्मा है इसके बारे में मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये बहुत पावरफुल अडेप्टोजन है। एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हुए डॉक्टर हैंस सेले, उन्होंने ये अडेप्टोजेंस की एक लिस्ट बनाई थी। बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस जो एक कमेटी बनी थी रशिया से जापान से, तो उन्होंने ये किया था कि जो गैनोडर्मा है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? नॉन टॉक्सिक होता है। आपने देखा है हमारी जो आरजीजीएल की बोतल आती है उसके ऊपर लिखा होता है कंप्लीटली सेफ, नॉन टॉक्सिक, नॉन सेडेटिव। तो ये जो वर्ड हमारे स्पायरुलिना आरजीजीएल के ऊपर लिखे हुए हैं ये बहुत मायने रखते हैं। आपको पता होना चाहिए इन शब्दों के मायने क्या है, क्योंकि दुनिया में, मैंने क्या बोला, दुनिया में खाने पीने का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता, मैं खाने पीने की बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर लिखा हो वो कंप्लीटली सेफ है। हम पानी को बहुत सेफ जानते हैं ना, लेकिन आपने कभी देखा कि पानी की बॉटल के ऊपर लिखा हो ये कंप्लीटली सेफ है? कुछ कंडीशंस में, जैसे किडनी की कंडीशन होती है, कुछ कंडीशंस में पानी भी जहर का काम कर जाता है। ये नॉन टॉक्सिक है, नॉट लिमिटेड टू स्पेशल ऑर्गन और टिश्यूज और डिजीज। ये किसी खास किस्म के ऑर्गन्स के लिए, खास किस्म की टिश्यू के लिए, खास किस्म के सेल के लिए, खास किस्म की बीमारी के लिए नहीं है, और इट हैज ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट। जब आप इसको खाते हो ये किसी चीज को कम ज्यादा नहीं करता, नॉर्मल करता है। किसी बॉडी में किसी चीज की कमी है तो उसको बढ़ा के नॉर्मल कर देगा, किसी की बॉडी में कोई चीज ज्यादा है उसको कम करके नॉर्मल कर देगा। ऐसा प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलता, और वो भी हर एक सेल के ऊपर काम करे। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। और गैनोडर्मा में डिफरेंट अप्रोच है, जो हम लोग बाजार में ड्रग्स देते हैं तो जो ड्रग्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, हमारा प्रोडक्ट टोटली नेचुरल है, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसमें जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी एक एलिमेंट रिफ्लेक्शन करती है, आपको उस एलिमेंट रिफ्लेक्शन की समझ होनी चाहिए। ड्रग्स क्योर करने के काम आते हैं, जब कोई बीमारी आ जाएगी उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन गैनोडर्मा प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। और ड्रग्स होते हैं टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, किसी ऑर्गन के लिए बने होते हैं, किसी बीमारी के लिए बने होते हैं, लेकिन ये ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट करता है। और जो ड्रग्स होते हैं वो ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, बंदों ने, इंसानों ने बनाया है, और गैनोडर्मा नेचर की टेक्नोलॉजी है। और ज्यादातर ड्रग्स सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं, हमारे वाले में 400 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। और अगर ड्रग्स की ओवरडोज हो जाए, हमारी गैनोडर्मा की कोई ओवरडोज नहीं होती, आप जितना मर्जी खा सकते हो। अब यहां तक तो मैंने आपको गैनोडर्मा, इसमें जो हमारे दो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बता दिया, आपको मैंने नोनीज के बारे में बताया डिजाइन के लिए, लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे डेली यूज वाले। अब कॉफी के बारे में, जैसे मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, लोग मानते हैं कि ये तो एसिडिक होती है, लेकिन हमारे वाली कॉफी एसिडिक नहीं है। और जब आप इसका जो रैपर है, मैं शाम को मीटिंग रोजाना करता हूं अपने ग्रुप में, तो मैं लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं, तो यहां मैं आपको होमवर्क दूंगा कि हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, आप उन प्रोडक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप उनको पढ़ो और उनको समझदारी के साथ समझो, ताकि आप बाजार में एक स्ट्रेटजी के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स के फीचर लोगों के सामने पेश कर सको।
कॉफी जो होती है वो एंटी स्ट्रेस होती है। आजकल आपने देखा डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आजकल बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस के कारण होती हैं, और हाई पेनेट्रेटिंग पावर होती है। जब हम कॉफी पीते हैं तो हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन, प्रेशर नहीं बोला मैंने, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और बड़ी क्विकली हजम होने वाली चीज होती है। जब इसमें गैनोडर्मा मिक्स हो गया, गैनोडर्मा में न्यूट्रिशन है, गैनोडर्मा में डिटॉक्सिफिकेशन है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, एडेप्टोजन है, रिच इन एंजाइम्स है, जब इन दोनों का मिलन हुआ तो ये एक और एक दो नहीं हुए, एक और एक 11 हुए। इसलिए आपने देखा होगा जब आप कॉफी पीते हो तो आप बॉडी में एक एनर्जी सी महसूस करते हो, और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कॉफी पीने के बाद आप बड़ा अच्छा यूरिन भी पास करते हो, बड़ा खुल के पेशाब आता है, और पेशाब आना अच्छी सेहत की निशानी होती है। पेशाब आना डायबिटीज की निशानी नहीं होती, पेशाब आना बॉडी की साफ सफाई की निशानी होती। हाँ, ज्यादा पेशाब आने से आप ये समझो कि आपकी बॉडी में कुछ गंद ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन उस पेशाब को रोकने की कोशिश मत करो। बाकी ये जो मेडिकल लाइन वाले लोग हैं इसको कैसे लेते हैं, उनकी पढ़ाई कुछ और होती है, हम लोग वेलनेस में काम करने वाले हैं, इस चीज का फर्क समझो। और फिर हमारे पास कॉर्डिसेप कॉफी, कॉर्डिसेप के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कॉर्डिसेप एक बहुत महंगा मशरूम है जिसकी कीमत लाखों में जाती है, और ज्यादातर लोग कॉर्डिसेप को मैन पावर बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन कॉर्डिसेप मशरूम जो होता है वो हमारे लंग्स के लिए और हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब लंग्स के लिए अच्छा होना कोविड के लिए कितना बुरा हो सकता है आप समझ सकते हो, और किडनी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में काम करती है, लंग्स हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में काम करते हैं, बॉडी में कुछ भी अनवांटेड चीज गई वो बॉडी से बाहर, कॉर्डिसेप बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि गैनोडर्मा खाते हो उसने तो पूरी बॉडी की साफ सफाई करनी है, लेकिन बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये दो ऑर्गन मेनली काम करते हैं, किडनी और लंग्स। तो जब ये इनके इनको एक एनर्जी मिलती रहेगी तो आप महसूस करोगे, जब आप कॉर्डिसेप कॉफी पीते हो तो बहुत सारे लोग तो मेरे को ये भी कहते हैं, शायद आपको भी कहते हो कि कॉर्डिसेप कॉफी पी के तो शरीर में आग सी लग जाती है, आग सी लग जाना मतलब इतनी सारी एनर्जी महसूस करते हैं हम लोग। और कोकोजी, मैंने आज थोड़े से प्रोडक्ट लिए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी प्रोडक्ट्स जब आपको बेसिक समझ आ जाएगा तो आप बड़े आराम से लोगों को दे सकते हैं। ये कोकोजी आम करके बंदा ये कह देता है कि जैसे जी बाजार में बॉर्नविटा माल्टोवा मिलता है वैसे हमारा कोकोजी, ऐसा नहीं बोलना। आपको पता नहीं बॉर्नविटा में ये माल्टोवा में ये इसमें प्रोटीन इनमें क्या डाला होता है। हमारी कोकोजी में आप उनको बोलो ये कोकोआ ड्रिंक है, कोकोआ ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। कोकोआ बीन, ये कोकोआ ट्री से, वैसे उसको काकाओ बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, कोकोआ बोल लेते हैं, और ये जो कोकोआ फ्रूट होता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और ये ब्रेन टॉनिक का काम करता है। और ये जो हमारा ड्रिंक है ये अल्कलाइन ड्रिंक है, क्योंकि बच्चे चॉकलेट टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम उनको ये कोकोजी ड्रिंक दे सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है, हम उनको सिर्फ पानी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई चीनी, कोई दूध या कुछ और चीजें ऐड करते हो तो इनकी अल्कलाइन जो एक्टिविटी है, अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि हम लोग इन सब में पानी ही यूज करें। और ये जो 2-in-1 कॉफी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीनी और दूध का परहेज करना पसंद करते हैं, तो आप उनको 2-in-1 ब्लैक कॉफी दे सकते हैं। और ये जो 2-in-1 ब्लैक कॉफी है, मैं जो मेरा मानना है सबसे बढ़िया जो हमारी कॉफी है इफेक्ट के, वैसे तो हर कॉफी का अपने अपने गुण है, सबसे बढ़िया 2-in-1 ब्लैक कॉफी है। अगर आप इसको ब्लैक पीते हो तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की इसमें कॉफी है, और जो मैंने इंग्रेडिएंट्स की बात की थी वो आप हर रैपर के, हर पैकेट के बाहर पिछले बैक तरफ पे वो सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको वो अच्छे से आपको वो स्टडी करना है। और नोनीजी, आपको एक चीज का ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड
हमारी नोनीजी का नाम मोरेंजी है। कुछ टेक्निकल कारणों के कारण इंडिया में इसको नोनीजी के नाम से जाना जाता है। तो ये नोनी फ्रूट है, उससे ये तैयार की जाती है। और इसमें क्योंकि इसमें रोजेल फ्रूट, क्योंकि आपको पता है ये नोनी फ्रूट का जूस होता है, एक्चुअली ये जो नोनीजी है ये जूस नहीं है, ये पूरी पल्प है, इसमें पूरा फ्रूट क्रश करके डाला हुआ है। इसका जो टेस्ट होता है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं होता, इसलिए कंपनी ने इसमें रोजेल फ्रूट का जूस ऐड किया है ताकि ये पीने में स्वाद हो। आपने देखा होगा जब आप ये नोनीजी पीना शुरू करते हो तो इसका टेस्ट इतना बढ़िया है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इसको सिर्फ टेस्ट के लिए पीते हैं। और अभी मेरे को याद आ गया, कल आपको भी मैसेज मिला होगा कंपनी का, हमारे एक क्राउन एम्बेसडर है यूरोप से, लॉजिल का जो कुछ ऐसा, मैं नाम उनका प्रोनाउंस ठीक कर पाता, तो वो हर रोज एक मोरेंजी की बोतल, कम से कम एक मोरेंजी की बोतल पीते हैं। तो उन्होंने अभी 1000वीं मोरेंजी की बोतल पीनी है, तो वो चाहते हैं कि हम लोग उनका साथ दें और हम मोरेंजी की बोतल पीने की अपनी वीडियो बनाए और उनको भेजें, तो वो 1000 बंदों की एक वीडियो बनाएंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर भेजा जाएगा। आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, मैं तो वैसे आपको सलाह दूंगा आप जरूर ट्राई करो। ये जो नोनीजी है, जैसे मैंने आपको एंजाइम थ्योरी के बारे में बताया था, एंजाइम्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर वैसे अगर हम चाहें तो पूरा टॉपिक हो सकता है। बाजार में जो बहुत सारी नोनी आती हैं, जब आप उनका इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नोनी तो उसमें 10-12-15% ही है, बाकी उन्होंने दूसरे जूस मिला। ये जो नोनीजी है इसका इफेक्ट ये होता है कि मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो हमारा सेल होता है, अब सेल के अंदर न्यूट्रिशन जाती है और गंदगी बाहर आती है, एक सेल एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, वो कौन सी चीज़ अंदर जानी चाहिए और कौन सी चीज़ बाहर आनी चाहिए, तो उसके लिए आपने देखा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, तो हमारी सेल में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसको बोलते हैं जर्नाइन। वो हमारी बॉडी में, क्योंकि जब आपको पता है कि जब किसी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बिल्डिंग में कुछ गलत तत्व, कुछ आतंकवादी घुसने की कोशिश करे तो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लड़ाई होती है और समटाइम्स सिक्योरिटी गार्ड भी मर जाते हैं। तो जब हमारे सेल के ऊपर हमारी बॉडी में वो टॉक्सिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या करते हैं, अब वो कम है, आपने देखा होगा बाहर अगर सिक्योरिटी गार्ड कम हो तो वो शटर को, मेन गेट को ताला लगा देते हैं ताकि ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए। हमारे सेल में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो वो जो जर्नाइन जो हमारे सेल का सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो इससे पहले कि वो मर जाए हमें और सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और जर्नाइन चाहिए। ये नोनीजी में एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं प्रोजर्नाइन और प्रोजर्नेस, वो नोनीजी में पाया जाता है। जब हम ये नोनी को सेवन करते हैं तो ये एंजाइम्स होते हैं प्रोजर्नाइन और प्रोजर्नेस, जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर ये कैसी एक्टिविटी करते हैं कि ये वो जर्नाइन बन जाते हैं। सिंपल भाषा में, हम जैसे लोग जब देश के ऊपर कुछ या हमारे शहर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे वॉलंटियर्स वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं, तो वो सिक्योरिटी पर्सनल्स आम आदमी को थोड़ी सी ट्रेनिंग देके काम पे लगा देते हैं और धीरे धीरे वो सीख लेते हैं, और फिर वो जो अच्छे से सीख जाते हैं तो सिक्योरिटी पर्सनल उनको अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। बस कुछ ऐसी एक्टिविटी मोरेंजी करती है। मेरे को उम्मीद है कि मेरा समझाना आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे ही हम ये पीना शुरू करते हैं तो वो जो सेल का सिक्योरिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, कौन सी चीज़ अंदर जाए कौन सी चीज़ बाहर जाए। अब वो सिक्योरिटी वाले को पता है, वो जो अच्छे बंदे होते हैं, काम करने वाले तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सेल के अंदर जाते हैं, अंदर जाके काम करते हैं, और जो गंदगी होती है वो अच्छे से बाहर फेंकी जाती है। तो जब हम नोनीजी का सेवन करते हैं वो जो एंजाइम्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को चाहिए, प्रोजर्नाइन प्रोजर्नेस, वो यहाँ से हमें मिलते हैं। ऐसे हमारे पास रोजेल अभी जूस आ गया है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी की सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। और फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं,
आपको पता है जो हमारी स्किन है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसको दोनों तरफ से मार पड़ती है, बाहर से भी अंदर से भी। और सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का जो ऑर्गन है वो हमारी स्किन है। इतनी गंदगी पेशाब और टॉयलेट के रास्ते से नहीं निकलती जितनी हमारी स्किन के रास्ते से निकलती है। और सच्चाई ये है कि ये सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड ऑर्गन है। आपको भी, आप तो बहुत ख्याल रखते हो। नहीं सर, हम लोग स्किन का ख्याल नहीं रखते। हम लोग जो डिटर्जेंट्स अपने कपड़ों में यूज करते हो, वो कपड़े जब हम पहनते हैं तो जो केमिकल लगता है, तो जैसे मैंने बोला कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हमारी स्किन भी ब्रीद करती है, लेकिन जब इसके पोर्स बंद हो जाते हैं उन केमिकल्स की वजह से, तो ये ब्रीद नहीं कर पाती, तो ये जल्दी खराब होनी शुरू हो जाती। और ये जो स्किन है, इट इज सेंसिटिव टू पेन एंड टच। आपको बताती है कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज तीखी है, किसके पास मत जाओ। और हमारी हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन करती है वो हमारी स्किन करती है। अरे भैया, अगर 120 रुपए का साबुन इसके ऊपर लगाना पड़ रहा है ना आपको, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी बॉडी के ऊपर। ये आपको प्रोटेक्शन करके देती है। 120 के अब 1200 रुपए का साबुन भी लगाना पड़ता है, जो हमारी कंपनी ने हमें तेल दिए हैं। लगाया करो बॉडी के ऊपर, बारी बारी करके लगाया करो। एक दिन मसाज ऑयल लगाया, एक दिन बेबी चब्बी ऑयल लगाया, एक दिन कोकोनट ऑयल लगाया। अरे भैया, मेरे कहने पे कहीं हेयर ऑयल मत लगाने शुरू कर देना बॉडी के ऊपर, वो बालों के लिए है। और हमारे पास स्किन के लिए टेलकम पाउडर है, हमारे पास साबुन है। साबुन हमारी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देती है। आप बॉडी पे लगाओ, 4-5 मिनट लगा रहने दो। जो इसमें पाम ऑयल है जो हमारी स्किन की नरिश करेगा साबुन में, वो हमारी स्किन को बड़े अच्छे से ऑयल भी करेगा। और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए स्किन ही काम करती है। और हम लोग क्या करते हैं स्किन का, आप लोग जानते हो क्या करते हो स्किन का। स्किन का ध्यान रखो जैसे आप दूसरे ऑर्गन्स का ध्यान रखते हो, स्किन का भी ध्यान रखना बनता है। इसलिए कंपनी ने हमारे पास पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं। ये कुछ आप देखोगे, हमारे पास अभी एलोवेरा के 2 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी जैसे सिद्धिपेट वाली फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो एलोवेरा से बनते हैं। अगर आप कभी मलेशिया जाओ, कभी दुबई जाओ, बाहरले मुल्कों में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और जो जैसे मैंने आपको साबुन बताया था, इट इज मेड फ्रॉम पाम ऑयल। क्या बाजार में दूसरी साबुन वाले आते हैं, अरे आपकी 120 रुपए की साबुन है, हमारी तो 12 रुपए की साबुन है, तो आप इंग्रेडिएंट्स देखा करो, उससे पूछो कि आपके साबुन में कौन सा तेल डाला है, तेल डाला भी है कि नहीं डाला है। जो हमारी बाथिंग सोप होती है उसमें ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का होना बहुत जरूरी है। आप उनके इंग्रेडिएंट्स में उनको कॉल पूछो कि आपकी ये डब्बी के ऊपर, पैक के ऊपर कौन सा तेल लिखा हुआ है, इसमें डाला हुआ है। और ये हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि साबुन को अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ी देर लगा के रखो। बहुत सारे लोग इस साबुन के साथ शेव भी करते हैं। नए बंदे को मत बोल देना। मैंने देखा है कुछ लोग नए बंदे को बोल देते हैं, वो इस साबुन से नहाता नहीं है, सिर्फ शेव ही करता रहता है। पहले आप प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, जो मैंने बोला था, ये नहाने के लिए साबुन है। अगर आप शेविंग के लिए किसी को बोलोगे तो जो मर्द लोग हैं वो तो शेव करेंगे, लेडीज तो इसको यूज ही नहीं करेंगी, वो कहती हमने तो शेव ही नहीं करना। तो इसलिए वो जो मैंने आपको पोजीशनिंग बोला था वो बहुत जरूरी है। आपको प्रोडक्ट की पोजीशनिंग का पता होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे और कैसे यूज करना है। और मसाज ऑयल, ये भी पाम ऑयल है और इसमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट मिक्स। और ये हमारे जो मसल्स हैं जब हम काम करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है इसको ना जॉइंट्स के ऊपर यूज करते हैं। ये देखो, ये मसाज ऑयल लिखा हुआ है, कहीं जॉइंट पेन के लिए तो लिखा नहीं हुआ। आप अपने मसल्स को भी इसके साथ मालिश किया करो। और ये लगाने के बाद बहुत ज्यादा मालिश करने की जरूरत नहीं है, और हल्का सा लगाओ, अप्लाई करो, 2-3 मिनट में ये बॉडी में जज्ब हो जाता है, अब्सॉर्ब कर लेती है बॉडी इसको। और गनौजी टूथपेस्ट, अब ये जो टूथपेस्ट है, आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आती हैं, वो आके एक एक्सपेरिमेंट सा करती हैं, केमिकल सा डाल के करती हैं, ऐसा करती है, ऐसा करती है, ठीक है, करने दो उनको। लेकिन उनसे आप पूछना कि आपके टूथपेस्ट में डाला क्या हुआ है,
वो बताओ कौन है। जब वो एक्सपेरिमेंट सर करते हैं, मेरे पास भी आए, तो मैंने पूछा कि सर आप ये एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो, ये जो आप तेजाब डालते हो टूथपेस्ट के ऊपर, ये तेजाब मेरे मुंह में कहां पे होता है? जब आप टूथपेस्ट मुंह में डालते हो तो जैसे ये टूथपेस्ट ऐसे बॉयल सा हो गया, ये मुंह में जाके ऐसे बॉयल सा होता है? तो उन लोगों के पास पता नहीं होता, उनको पता नहीं है कि ये डेमो जो कर रहे हैं, इस डेमो की कोई कीमत नहीं है। आपके टूथपेस्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हुए? दुनिया में इतना सेफ टूथपेस्ट कोई नहीं है जितना हमारा टूथपेस्ट है, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, अभी बाजार में मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को पता ही है कंपनियां जो आती हैं बाजार में, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज टूथपेस्ट लेके आती है, उनके किसी के भी टूथपेस्ट में कोई फर्क नहीं है, सेम ही चीज है, सब में वही केमिकल्स है। दुनिया की नंबर एक कंपनी, इंडिया की नंबर एक कंपनी, आपके शहर की एक नंबर कंपनी, स्वदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी, आप उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करो, फिर अपनी कंपनी के इन टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स चेक करो, आपको पता होना चाहिए उनमें क्या डाला होता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट सब टूथपेस्टों में मिलेगा, कैंसरोजेनिक सब्सटेंस है, वो झाग बनाने के काम आता है। फिर उसमें आप देखोगे सिलिका, फिर उसमें देखोगे माइका, उसमें देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जिसको आम भाषा में चूना बोला जाता है। ये माइका क्या होता है, ये आपके संगमरमर लगा नहीं होता। और ये सिलिका, ये एक तरह की मिट्टी होती है, पत्थर होता है उसका चूरा। ऐसी ऐसी चीजें डाली होती हैं, और इससे भी भयंकर भयंकर केमिकल होते हैं कुछ में। ये तो मैंने आपको कॉमन से बताया जो सब में होते हैं, हमारे टूथपेस्ट में इसमें से कुछ भी नहीं है। और इसके आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, एक एक इंग्रेडिएंट को गूगल के ऊपर सर्च करके देखना कितनी बढ़िया चीज। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये जो केमिकल्स आप इसमें देखोगे, ये सिंथेटिक केमिकल्स नहीं है, ये प्लांट बेस्ड केमिकल्स हैं। आपको पता होना चाहिए प्लांट बेस्ड केमिकल और सिंथेटिक केमिकल्स में क्या फर्क होता है। आपके घर पे बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे सीखना। इनऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, आपको बच्चे समझाएंगे कि क्या फर्क होता है। हमारे जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक केमिकल है, प्लांट बेस्ड केमिकल है, सेफ केमिकल है। और रिएक्शन प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, वेलनेस के लिए हैं, और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं फॉर हेल्थ केयर, और सबसे अच्छा रिलायबल है, आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर है। अब बहुत सारे लोग कह देते हैं जी प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अरे हमारी कॉफी 10-15 रुपए का कॉस्ट करती है, कितने की महंगी है। तो आप उनसे जब करो उनको बोलोगे हाँ, लेकिन आप इसका यूज तो देखो। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपके बजट में ही सेट होने वाले हैं, आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ट्रेंड सेटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी कंपनी वर्ल्ड में ट्रेंड सेटिंग कर रही है, और जो जो रिकॉर्ड बना रही है, जब आप वर्ल्ड में ट्रेंड सेटिंग कर रही है और जो जो रिकॉर्ड बना रही है, जब आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पढ़ोगे, सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी कंपनी ने दुनिया में कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए हैं। और बी ए प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स, जब लोग आपको देखें तो वो आपसे पूछें कि दोस्त क्या यूज करते हो आप, तब मजा आएगा। और जब आप यूज करोगे तो आपके चेहरे के ऊपर, आपके करेक्टर में, आपके हाव भाव में, आपके एटीट्यूड में डीएक्शन दिखना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज का ध्यान रखना, ओवर क्लेम नहीं करना प्रोडक्ट्स का। कल को अगर आप ओवर क्लेम करोगे तो आप देखोगे कंपनी का जितना भी लिटरेचर है, जो कंपनी का लिटरेचर है, जो आप लोगों ने इधर उधर से लिया हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो कंपनी का लिटरेचर है उसमें कहीं भी किसी भी तरह का क्लेम नहीं किया गया किसी बीमारी के ऊपर। आज की जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई, मैंने किसी प्रोडक्ट को किसी बीमारी के साथ रिलेट करके बताया? आपको भी जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो आप किसी ट्रबल में आ सकते हो। अगर आपने कहीं क्लेम कर दिया कि गैनोड्रामा फला फला बीमारी के ऊपर काम करता है, और किसी बंदे ने इस बात को उठा के आपको
किसी कानूनी कार्रवाई में उलझा लिया, तो भाई साहब कंपनी आपको इस मामले में मदद नहीं कर पाएगी, तो कंपनी कहीं क्लेम नहीं करती, ये क्लेम आपका था तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। सो मैं आपको एक सलाह दूंगा, ओवर क्लेमिंग में मत जाओ, आप बंदे को प्रोडक्ट यूज करवाओ और वो यूजर को क्लेम करने दो कि जी मैंने यूज किया था और मेरा ठीक हो गया। आपने देखा बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे क्या ढेरों सारे टेस्टिमोनियल यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, वो कंज्यूमर खुद बोल रहा है कि मैंने यूज किया मेरे को फर्क पड़ा। आप उस बंदे को अपने यूज का बता सकते हो, लेकिन उसको मत कहना कि तेरी मैं बीमारी ठीक कर दूंगा, थोड़ा सा फर्क है इस चीज में, तो इस चीज का ध्यान रखना। बीमारियों को डॉक्टरों के लिए रहने दो, बीमारियां ठीक करना इतना आसान काम नहीं होता, और इसलिए आप ध्यान रखो, आप जब प्रोडक्ट को पोजीशन करते हो, प्रोडक्ट की बात करते हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अभी नीली तेल आया है, अभी उसको लॉन्च हुए कुछ महीने, 7-8 महीने हुए। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि सर हमारे जो काले बाल आ रहे थे वो आने रुक गए, उनकी उम्र है 30 साल से कम, मैं हूं 50 साल से ज्यादा। अब अगर मैं ये क्लेम करके बैठूं तो भैया मैं पकड़ा जाऊंगा ना, वो कहेगा सर जी आपके बाल तो सफेद है, मैं उसको कैसे क्लेम करूंगा। हाँ मैं उसको ऐसे क्लेम करता हूं कि ये बाल जब मैं तेल मैंने लगाना शुरू किया, मेरे बाल बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई, बात पर जो बाल है वो टूटने और झड़ने कम हो गए, ऐसे मत कहना बंद हो गए, ये कभी बंद नहीं होते, हमारे जो एजिंग हो जाती है, जो बुढ़े बाल हो जाते हैं वो झड़ते हैं और ये झड़ने भी चाहिए, ये ध्यान रखना इस चीज का। हम लोग कह देते हैं कि रुक जाएगा, आप ये प्रोडक्ट खाओगे आपकी शुगर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अरे शुगर बिल्कुल खत्म नहीं होती, आपका बीपी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म नहीं होता, हमारी बॉडी में चीजें की चाहिए होती है, मिनिमम मैक्सिमम एक लिमिट होती है, तो बाल जो टूटने झड़ने कम हो जाएंगे। और एक दो मुंहे बाल होते हैं, जो बाल काटते हैं उनके आगे से बाल दो मुंहे हो जाते हैं, फिर उनको बाल सेट करने में मुश्किल होती है, ये दो मुंहे बाल नहीं होने देते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं, और जब मैं बंदे के सामने शेयर करता हूं तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। हाँ, जिस बंदे के बाल जो पहले सफेद थे कुछ और वो छोटी उम्र का था, अब उसके हुए वो क्लेम करेगा सामने बैठ के, वो कहेगा सर ये देखो मेरे पहले बाल थे अभी मेरे नहीं हो रहे। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बंदों के सामने, किसी दूसरे बंदे की कहीं कहीं बात जब आप शेयर करने लगोगे उसको ओवर क्लेम बोला जाता है, आप उसको ओवर क्लेम कर रहे हो, तो दूसरे बंदे का प्रोडक्ट यूज कैसा था वही एक्सप्लेन कर सकता है। और प्रोडक्ट्स का फ्यूचर क्या है, अब जब हम कंपनी के साथ जुड़े हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि आज के टाइम में तो हम इसको यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में इसकी क्या डिमांड रहेगी, इसका क्या यूज रहेगा। अगर हम WHO को कोट करें तो WHO ने 2000 में कहा था कि वेलनेस प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो 80 बिलियन है, 2008 में उसने क्लेम किया था कि 200 बिलियन होगी, अभी हम लोग 2020 में हैं तो ये लगभग 300 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, और WHO का कहना है कि 2050 तक जाते जाते ये 50 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी। आपको पता है ट्रिलियंस में कितनी जीरो होती है, मैं बताता हूं, मिलियन में 6 होती है, बिलियन में 9 होती है, ट्रिलियन में 12 होती है। अब इसके आगे 12 जीरो लगा के या हम लोगों ने तो वो अपनी भाषा में कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, इतने करोड़ का बिजनेस होगा और उस बिजनेस में आप और मैं बराबर के भागीदारी होंगे, लेकिन वो भागीदार हम तब होंगे जब हमें अपने प्रोडक्ट्स की अच्छे से जानकारी होगी, अपनी कंपनी की अच्छे से जानकारी होगी, हमारी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, हमारी कंपनी की वर्किंग के बारे में, हमारे कंपनी के प्लस पॉइंट्स के बारे में हमें जानकारी होगी। तो आज मैं जो आपके साथ ये शेयर कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, ताकि 2050 तो बहुत दूर है, 2030 तक हम लोग ये 50 ट्रिलियन क्रॉस करें और इसके फायदे के हम लोग हकदार बने, और मैं चाहूंगा हम सब लोग तरक्की करें, क्राउन एम्बेसडर बने, और अगर कल को हमारे डॉक्टर लिम क्राउन एम्बेसडर से भी ऊपर का कोई स्टेटस बनाते हैं तो हम लोग वो अचीव करें। लेकिन हम लोग एक चीज का ध्यान रखें, ये जो बिजनेस है ये हेल्पिंग अदर्स का बिजनेस है, ये अकेले अकेले काम करने का बिजनेस नहीं है, ये टीम वर्क का बिजनेस है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं,
मैं अगर आपकी टीम में नहीं भी आता, आपके अपलाइन में या डाउनलाइन में, मैं आपकी हेल्पलाइन में आ सकता हूँ, या डाउनलाइन में मैं आपकी हेल्पलाइन में आ सकता हूँ। डीएक्सएन में मैंने देखा है हेल्पलाइन जितनी बढ़िया डीएक्सएन में मैंने देखी है, मैंने किसी और कंपनी में नहीं देखी। तो लेट्स जो धन्यवाद नवजोत जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सर, आपने अपना इतना कीमती समय हम सबको दिया और सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज एक एक करके हमें दी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सारे जूम व्यूअर्स का और हमारे जो भी व्यूअर्स यूट्यूब के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ऐसी मीटिंग्स हमें आगे और भी मिलती रहेंगी और हमें और ज्यादा जानकारी डीएक्सएन के प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान और बाकी सारे चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद सर।